गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी प्यारे साथी जल्दी से जुड़ जाइए। वीरेंद्र सिंह ठाकुर, निर्मला, अनिल यादव। गुड इवनिंग भाई एवरीवन। चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग MGCI। गुड इवनिंग भाई अनिल। गौतम जाट, गुड इवनिंग। गुड विकास कुमार, गुड इवनिंग। मंगल सिंह जी, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए यादव, ऑफलाइन सॉरी ऑफिशियल। गुड इवनिंग। चलिए भैया जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके सचिन कुमार साहू जी, गुड इवनिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो साथियों, जो हमारी ये सीरीज चल रही थी RHU और IBPS के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, जो हमने डिस्कस किए, ये आज इसका अंतिम क्लास है। जैसे कि हमारी बात भी हुई थी शुरू में, हमने जो डील किया था कि हम 1 वीक में मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट करेंगे और उसकी लास्ट क्लास है। लेकिन मैं आपसे कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ। अगर आप इसी क्लास का और अच्छे से डिटेल में लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर जुड़ना है। MGCI न्यू बैच जल्दी लॉन्च कर रहा है RHU के लिए। IBPS मेंस भी उसमें बहुत सारा कवर हो जाएगा, 99% कवर हो जाएगा भैया। 1% तो आपको अलग से पढ़ना ही है थोड़ा स्वयं से, लेकिन 99% तो आपका उसमें कवर हो जाएगा। 1% में क्या है, जो करंट का एग्रीकल्चर है उसके हम लास्ट में फिर PDF डाल देंगे। तो IBPS AFO का मेन्स का बैच और RHU जो कि आने वाली है, उसके साथ ही क्वालिटी कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इन सब का समग्र तैयारी आपको MGCI के एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बिना विलंब के इस बैच में जुड़े और उसकी मैं जानकारी आपको बीच में भी एक बार दे दूंगा और अभी भी मैं बता देता हूँ। अगर आप 1 तारीख से पहले इस बैच में जुड़ते हैं तो 4,000 में आपका काम हो जाएगा भैया, नहीं तो फिर यही कोर्स आपको 7,000 में परचेस करना पड़ेगा। तो अभी ऑफर है नए वर्ष के प्रारंभ होने की खुशी में, और क्रिसमस का जो ऑफ़र आपने YouTube पर देखा भी होगा, तो ये दोनों ऑफ़र के कारण आपको जो टोटल फी 7,000 ना करके 4,000 में करना है। ठीक है, और इसका डिटेल वीडियो भी YouTube पर है, आप उसको भी एक बार देखें। और जितने ज़्यादा साथी को आप ये बात बता पाएँ उतने बच्चों का आप लाभ करें, क्योंकि फिर 7,000 रुपीज़ हो जाएगी, फिर आप उसको मिनिमाइज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए आप सभी बच्चे, सभी साथी इस बात को भली भांति लोगों को बताएं और बता भी दें कि भैया आपको एडमिशन लेना है, इस डेट के पहले ले लेना है, ताकि आपका भी फायदा हो, उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें यह दिख रहा है, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पादित विषाक्तता पदार्थ को क्या कहेंगे। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है कोई सा भी टॉक्सिक, तो उसको हम किस नाम से यहाँ पर जानेंगे। लखन, हेलो भाई, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। सचिन कुमार, संजय, लखन, आपको आंसर का जवाब देना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो फाइटोटॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, उनको हम बोलते हैं फाइटोटॉक्सिक। जैसे कि ग्राउंडनट की हम बात करें, ग्राउंडनट की बात करें, मूंगफली की अगर हम बात करें, तो इसमें अफ्लाटॉक्सिन बन जाता है, या एफ्लाटॉक्सिन जिसको हम कह देते हैं, मूंगफली में बन जाता है अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, तो ये एस्परजिलस के कारण बन रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या भैया, फाइटोटॉक्सिन है। कॉटन में बात करें तो गॉसिपल बन रहा है, तो ऐसे पदार्थ, सूबबूल में मियोसिन बन रहा है, तो ऐसे पदार्थ जो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के द्वारा फसलों में, दानों में, या उनकी गुणवत्ता को ख़राब कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं टॉक्सिन को फाइटोटॉक्सिन। ठीक है, साइटोटॉक्सिन अलग चीज़ है और न्यूरोटॉक्सिन अलग चीज़ है, ये तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, चलिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में कौन सी डिग्री लगती है। संदीप कुमार पटेल जी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए वैसे आई थिंक MSc लगना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। RHU और क्वालिटी कंट्रोलर, इनके लिए तो ग्रेजुएशन बेस पे आएगा, UG बेस पे आएगा, और जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसका हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको पूरी जानकारी उसमें देंगे, पर अभी आप मोटा तौर मान कर चलिए कि उसमें मास्टर डिग्री जरूर मांगेंगे।
फल और साग भाजियों का डिहाइड्रेशन किस विधि से उत्तम है? द बेस्ट मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना बेटा, चलिए जल्दी से बताएं। हाँ गौतम बिल्कुल, HCN भी सही है, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहा है ना। चल ओके ठीक है, बाय डिहाइड्रेटर। ओके डिहाइड्रेटर, वेरी गुड, सभी का सही है। बियर की बोतल बंदी करने हेतु उपयोग में लाते हैं। बियर का नाम सुनते तुम्हारा तो आधे मोती उड़ गए होंगे, बैटरी नाम सुनते ही रिचार्ज हो गई तुम्हारी। बताओ भैया, बियर की बोतल बंदी के लिए पीपी क्रेप, सो केप, क्राउन केप, डॉट। तो ये तो हो गया भैया आपका पीपी केप, ये हो गया आपका क्राउन केप, और ये हो गया डॉट। अब जिन लोगों ने आज तक बॉटल खोल रखी होगी, देख रखी होगी, तो उनको 100% पता होगा। बोतल बंदी वालों, बोतल वोतल देख रही होगी ना, खूब देखी होगी बोतल है तुमने। अरे पीने के नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो देखने के बोल रहा हूँ भाई, देखी होगी ना बोतलें। ठीक है भैया, वेरी गुड। तो जो बियर की बोतल होती है उसमें ढक्कन इस तरह से आपको दिखाई देगा, शीर्ष की तरह, इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, और ये पीपी मॉडल है, और ये डॉट। ठीक है, डॉट आपने देखा ही होगा। और ये बच्चों को जो दवाई पिलाते हो, बच्चों को जो दवाई पिलाते हैं वो यही तो है, उसमें पीपी केप लगा होता है। समझ गए, आधे ज़्यादा चेहरे खुल गए। राजू साहू जी, संदीप पटेल जी, लखन, ठीक है भैया चलने दो, बढ़िया। नया साल है, ध्यान रखना। आ जाओ, मुरब्बा बनाने से पहले आंवले में कौन सी क्रिया करते हैं? गमिंग, गमिंग इट मीन्स सिट्रस वाला है। ठीक है, फोर्किंग, सीलिंग, ये तो डब्बा बंदी हो गया, सील पैक कर देना। टिपिंग, ये तो अलग प्रोसेस होती है, टिप को तोड़ देते हैं या फिर पूरी तरह से उसको लपेट कर रखते हैं। अब यहाँ पर बचा फोर्किंग, तो आंवला बनाने से पहले उसमें मुरब्बा लिया, सॉरी मतलब मुरब्बा बनाने से पहले आंवला लेंगे। तो आंवले को क्या करना भैया, इस तरह से जो नुकीला चम्मच है उससे उसमें छेद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी जो है वो घुल जाए, इसलिए प्रोसेस की जाती है। तो फोर्किंग किया जाता है किसमें? आंवला में। आंवला विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, आंवला सुपारी बनाई जाती है, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। नरेंद्र, साथ, कंचन, ये सब इसकी फेमस वेराइटियाँ हैं। तो फोर्किंग प्रोसेस की जाती है फॉर बेटर मुरब्बा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि भैया बताइए, मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा फ्रूट ज़्यादा बेटर है, मार्मलेड अगर बनाना है तो कौन सा फ्रूट क्रॉप ज़्यादा बेटर है? हाँ कैंडी भी बनाई जाती है, बिल्कुल, आंवला कैंडी, आंवला सुपारी मार्मलेड बनाने के लिए। वेरी गुड गौतम, दैट इज संतरा, मेंडारिन। ठीक है, मेंडारिन या संतरा, ये बहुत यूजेबल होता है किसके लिए, मार्मलेड बनाने के लिए। फिर जेली के लिए अगर पूछ लिया जाए तो जल्दी से बताइए, जेली के लिए अगर पूछ लिया जाए लखन केवट, MPPAT का बेटा, आप इस नंबर पर संपर्क करें अभी तुरंत, 92863, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 92863। ठीक है, और इस नंबर पर बात नहीं हो पाए तो क्लास के बाद बेटा इस नंबर पे लगा देना। ठीक, ये दो नंबर है, इन पे आप कॉल कर लेना। चलो जेली के लिए बताओ बेटा, वेरी गुड, अमरूद, गुआवा, बहुत बढ़िया, सही है। जेली के लिए बेस्ट फ्रूट आएगा तो गुआवा हो गया। अगर जैम की बात करें हम लोग, तो जैम के लिए बेस्ट फ्रूट, जैम के लिए ओके दैट इज, जैम के लिए अगर हम बात करें तो एप्पल हो गया। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सब्जियों को या एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए उनके अंदर ऊतकों की वायु को निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है? टू डीएक्टिवेट द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड एक्सर्टिंग ऑफ टिश्यू एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड? पीलिंग, तो छिलका निकालना, एग्जॉस्टिंग, तो वायु को बाहर निकालना है, कोरिंग, उसकी गुठली को निकालना है। तो बाकी जो बचा भैया वही आंसर हो जाएगा, करिए प्रयास। गौतम ने ए दिया है, लाभचंद जी ने भी ए दिया है, साहिल विश्नोई ने भी ए दिया है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो ये होगा स्पेशल जो
प्रैक्टिस है ब्लांचिंग, वेजिटेबल्स में की जाती है, और इसमें हम गर्म कुनकुना पानी नहीं बोलेंगे। पानी का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस पर 2 से 5 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 5 मिनट के लिए सब्जियों को उबाला जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 5 मिनट के लिए सब्जियों को क्या किया जाएगा, उबाला जाएगा, जिससे इसके अंदर जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं, श्वेतन भी कहते हैं, ठीक है, रेचन भी कहते हैं, कई नाम है, इसलिए अंग्रेजी में आप एक ही नाम अच्छा है, ब्लांचिंग याद रखो। ये मेनली किस में किया जाता है, तो ये मेनली किया जाता है भैया सब्जियों में। ठीक है, निर्मला मंडलोई एप्पल बेटा जैम बनाने के लिए बेस्ट है, और भी बहुत सारे, जैसे कैरेट की हम बात करें, ब्लैक कैरेट की तो कंजी बनाने के लिए फेमस है, केबेज की हम बात करें तो सारक्रूट बनाने के लिए फेमस है, पियर की बात करें तो पियरी बनाने के लिए फेमस है। ठीक, ओके, चलिए। करण शर्मा राधे राधे बेटा, इधर आ जाओ। ये बहुत सारे बच्चों के बार बार मन में प्रश्न आ रहा है, एक बार मैं फिर बता दूँ यहाँ पर, अब ये स्पेशल डिस्काउंट दिया गया भैया, स्पेशल डिस्काउंट है, ये 31 दिसंबर तक है। पहले जो फुल फीस थी 7000 थी आरईओ एसडीओ के टाइम पे, और बच्चों ने दिया भी और उसका लाभ भी लिया, और काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी होंगे क्योंकि रिजल्ट इसका भी बहुत जल्दी आएगा, और 100% बाढ़ आने वाली सिलेक्शन की है मान लो। ठीक है, चलिए, तो हम बात करें स्पेशल ऑफ़र की। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए तो 1500 रुपये में मिलेंगे। ठीक है, अब स्पेशल ऑफ़र क्या है, जो कोर्स 7000 में दिया जा रहा था पहले, वो अब आपको 4000 रुपये में दिया जा रहा है ओनली, और विथ नोट्स हार्ड कॉपी, मतलब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम चीज़ें उसमें रहेगी, कुछ टॉपिक के हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ऐड करना पड़े, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें उसमें आपकी कवर अप हो जाएगी हार्ड कॉपी के रूप में। ठीक है, कितने थाउजेंड का भैया, 4000 का, 4000 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसमें क्लासेस भी मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, हॉर्टिकल्चर की लाइव क्लासेस मिल जाएगी इसी फी में, और साथ ही आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। देन अगर आप विदाउट नोट्स अगर आप चाहते हैं, केवल आप नोट्स चाहते हैं, तो आपको सॉरी नोट्स नहीं चाहिए, केवल क्लास ही चाहिए रिकॉर्डेड, तो ये इसको 3000 रुपये में आपको दे दिया जाएगा। ठीक, ओनली अगर आप सी सेट चाहते हैं तो उसके लिए 2000, और ओनली एग्रीकल्चर चाहते हैं तो उसके लिए भी 2000। ठीक है, विदाउट नोट्स, विदाउट नोट्स। ठीक है, तो ये स्कीम है, इसका लाभ लें, क्योंकि भैया 1 जनवरी से 100% 7000 फीस हो जाएगी, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी भैया। हाँ, कॉलीफ्लावर में कर सकते हैं साहिल। ठीक है, आपको भैया इससे आपको आरएचओ की तैयारी हो जाएगी, आईबीपीएस एफओ मेंस की हो जाएगी, क्वालिटी कंट्रोलर की हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की हो जाएगी, इतनी तैयारी आपको इस कोर्स से फायदा दे देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आओ आगे देखते हैं। ये जानकारी आपने नोट कर ली, अब हम बात करेंगे फ्लेंजर जो है इसका यूज़ किस में होता है, फ्लेंजर जो होता है इसका यूज़ किस कंडीशन में हो रहा है। सुनील बघेल राधे राधे, चलिए। सुरेंद्र शर्मा जी, सुधीर शर्मा जी, बताओ इस प्रश्न का उत्तर भाई। संदीप कुमार पटेल, सचिन कुमार साहू, फ्लेंजर का जो यूज़ होता है वो क्या काम में हो रहा है। बीरेन सिंह ठाकुर, ओके, करण शर्मा, लाभचंद, ठीक है गौतम, वेरी गुड। तो भैया डिब्बे खोलना है, डिब्बे को खोलने के लिए फ्लेंजर का यूज़ करते हैं, डिब्बे को खोलने के लिए फ्लेंजर का यूज़ किया जाता है। वह विधि जिसमें सब्जियों को आंशिक रूप से सुखाया जाता है और फिर उनका हिमकयन किया जाता है, मतलब उनको ठंडा किया जाता है। द नेम ऑफ मेथड विच इज़ द वेजिटेबल्स आर पार्सली ड्राइड एंड फ्रीज्ड, पहले उनको सुखाएंगे फिर उनको हम फ्रीज्ड करेंगे, तो ये प्रोसेस किस में होता है। जैसे कि यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल ली, उनको धोया, पार्सली उनको ड्राइंग करा, और फिर उनको कंट्रोल प्रेशर में क्या कर दिया भैया, सुखाने के लिए रख दिया, फिर उसके बाद ठंडा कर दिया। तो इस तरह से जो कंडीशन हो रही उसको हम किस नाम से जानेंगे, डिहाइड्रोहिमन, हिमन शुष्कन, फॉर्म मेट शुष्कन, त्वरित हिमन शुष्कन, डिहाइड्रो फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग, फॉर्म मिट ड्राइंग, क्विक फ्रीजिंग। चलिए, ओके, आप सभी सही बता रहे हैं, डिहाइड्रो फ्रीजिंग। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये डिहाइड्रो फ्रीजिंग के नाम से जाना जाता है। वेल डन, वेरी गुड गौतम, ठीक है, लाभचंद, वीरेन्द्र सिंह ठाकुर,
वेरी गुड संदीप पटेल, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फल पाक जेम का अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? सीड टेस्ट, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, टेम्परेचर। अगर आपको जेम का एंड पॉइंट बताना है, ठीक है, अंतिम बिंदु बताना है जेम में, आपको अंतिम बिंदु बताना है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो पहला है सीट परीक्षण। इस तरह से अगर सीट है, इस सीट पर आपने जेम की बूंद डाली और इस तरह से वो पूरा फैल जाएगा, मतलब बहना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, समझ गए? सीट परीक्षण में उस सीट पर वो फैल जाना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये बेस्ट माना जाएगा। टोटल TSS अगर इसमें 68% टोटल सॉल्युबल सॉलिड आ गया तो हम उसको रेडी मानेंगे। देन तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री सेल्सियस, अगर ये टेम्परेचर आ जाता है तो हम उसको रेडी मानेंगे। इट मीन्स ये सारी प्रोसेस है फल पाक जैम के बनने की, तो ये सारी प्रोसेस है भैया जैम के बनने की। इसके अलावा जैम में आप एसिड टेस्ट, पेक्टिन टेस्ट, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है, चम्मच विधि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अगर चम्मच से गिरा दिया, ठीक, हाँ गौतम मैं सही लिख रहा था बेटा, चलो इसको करेक्ट कर लेना भाई, है ना, 105.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है गौतम? ये सही है क्या, बता जल्दी, तू बार बार सही करवा रहा। हार्टिकल्चर भैया नई बैच जो चालू होगी उसी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सुनील बघेल साहब, हार्टिकल्चर जैसे बैच स्टार्ट होगी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब ये मान के चलिए जनवरी के फर्स्ट वीक में एनी हाउ कंडीशन बैच स्टार्ट हो रही है। चलिए तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दे दी, आइए आगे देखते हैं। स्क्वैश में विटामिन मिलाने की क्रिया को क्या कहेंगे? द प्रोसेस एडिंग विटामिन्स टू द स्क्वैश इज नोन एज, अगर आप स्क्वैश में विटामिन मिलाना चाहते हो तो इस प्रोसेस को आप किस नाम से जानोगे? कैनिंग, पास्चराइजेशन, सल्फराइजेशन, फोर्टिफिकेशन। चलो देखो, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी की भी क्वालिटी बढ़ा देना। अभी SADO में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, अभी लास्ट टाइम जो हुई है कि एटलस 46 कैसी वेराइटी है, तो 45 वेराइटी है, फोर्टिफाइड वेराइटी है, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू वाली वेराइटी है, तो यही बात यहाँ पर हो रही है फोर्टिफिकेशन, ठीक है। कैनिंग तो भैया डिब्बाबंदी हो जाएगा, पास्चराइजेशन तो टेम्परेचर की बात होगी, सल्फराइजेशन उसमें सल्फर का धुआं देना, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे दैट इज फोर्टिफिकेशन, किसी की वैल्यू को इंक्रीज कर देना, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फोर्टिफिकेशन होगा, ना कि पास्चराइजेशन। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर के फल को लिया जाता है। फॉर कैनिंग आपको टोमेटो किस स्टेज में लेना है? जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में लेना है तो ग्रीन स्टेज या पिंक स्टेज लोकल मार्केट के लिए, तो अब आपको डिब्बाबंदी करना है फॉर कैनिंग पर्पस, तो कैसा लेंगे भैया टमाटर? रेड राइप, सचिन, सुनील, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, गौतम, चलिए तो जो मैच्योर ग्रीन स्टेज है ये तो भैया मार्केट में जाएगा हाफ राइप, पिंक राइप लोकल मार्केट में, इमैच्योर भी दूर भेजेंगे, तो रेड राइप लेना है, क्योंकि आप उसकी क्या कर रहे हो भैया, कैनिंग कर रहे हो, डिब्बाबंदी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको रेड राइप टोमेटो जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे लाल लाल टमाटर, ठीक है भाई। चलिए रबर के कलिकायन वाले पौधे में, ऐसा पौधा जिसमें बडिंग से तैयार किया गया है, ऐसा प्लांट जो बडिंग से तैयार किया गया है, उसमें दोहन के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करेंगे? मतलब अगर हम उससे रबर निकालना है, ऐसा प्लांट जो बडिंग से तैयार किया गया है और उसमें से आपको अगर रबर निकालना है तो कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट होगा? S2D2, S2D3, S2D1, ठीक है, तो ये मेथड है जिसका आंसर आएगा भैया S2D2, ठीक है, इस मेथड से रबर से को बाहर किया जाएगा, ठीक है, लेटेक्स जो है उसको इस फार्मूले से या इस मेथड से उसको बाहर किया जाएगा, क्लियर? चलिए ओके, साहिल, नेहा सोलंकी, सचिन कुमार साहू, नैन्सी, ओके बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बाबंदी की जाती है तो उस विधि को क्या कहेंगे? अगर आपने डिब्बों में बंद करा किसी को तो उस प्रोसेस को आप किस नाम से जानोगे? ठीक है, इसका उत्तर दीजिए भैया, अगर आप डिब्बे में बंद कर रहे हैं तो उसको क्या कहोगे?
ठीक है नेहा, दैट प्रोसेस नोन एज कैनिंग। बोटलिंग बोटल बंदी है, कैनिंग डिब्बों में बंद करना है, और पैकेजिंग तो पैक करना है। मटर की डिब्बा बंदी करने के लिए ब्राइन घोल जो होता है, ब्राउन घोल नहीं है, ब्राइन सॉल्यूशन है ना, ये ब्राउन नहीं है, ब्राइन घोल है ना, इसको करेक्ट कर लेना। ब्राइन सॉल्यूशन में कितना परसेंट नमक होना चाहिए? तो आप सभी ने सही उत्तर कर दिया होगा इसका, आई थिंक दैट इज 2%। इसमें कितना परसेंट नमक लेंगे? तो 2% नमक के साथ मटर की डिब्बाबंदी करेंगे। स्क्वेस की बोतल की धारिता कितना है? जो स्क्वेस की एक बोतल आ रही है इस तरह से, तो इस बोतल का जो आकार है उसमें कितना आप स्क्वेस रख सकते हो? 450, 550, 650, 750। चलिए ठीक है गौतम, ओके। सुधीर शर्मा जी 2% आपने सही दिया, ठीक है वीरेंद्र सिंह जी। तो 650 ml की बॉटल स्क्वेस की रखी जाती है। खेतों में फल और सब्जियों के भंडारण के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? अगर आपने जो खेत है और वहीं पर आपको उसका स्टोरेज करना है, तो आप किस मेथड का यूज़ करोगे? शीत भंडार, नियंत्रित वातावरण भंडार, शून्य ऊर्जा शीतक कक्ष, संशोधित वातावरण कक्ष। तो ये आंसर आएगा फिल्म लेवल पर अगर हमें संशोधन करना है, दैट इज़ जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। संदीप कुमार पटेल, आप जो आंसर देते हो भैया वो दिखाई नहीं देते, इसलिए प्लीज़ विजिबल फॉर्म में आप आंसर दें। इसका सही आंसर आएगा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, ZECC, जो कि इवापोरेशन के सिद्धांत पर काम करता है। हमारी कई डिटेल पर इसके कई बार चर्चा भी हो गई है। सब्जियों को वांछित और उपयुक्त आकार वाले डिब्बों में रखने को आप क्या कहोगे? सब्जियों को वांछित और उपयुक्त आकार के डिब्बे, तो डिब्बों में रखने की बात हो रही भैया, तो इसको आप क्या कहोगे? ट्रिमिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, साइनिंग। तो वांछित आकार के डिब्बों में रखना कहलाएगा भैया ट्रिमिंग। क्या कहलाएगा? ट्रिमिंग। ठीक, वेरी गुड। फर्मेंटेड बीवरेज वाइन मुख्यतः ग्रेप से बनाई जाती है। चंपा सॉरी सैम्पेन जो है वो भी ग्रेप से बनाई जाती है। पोर्ट पोर्तुगीज लेकर आए भैया। सेरी जो होती है स्पेनिश वाइन है। और टोकी नाम से जो आती है वो हंगरी की वाइन है। और मस्केन जो है वो मस्केन ग्रेप से इटली में बनाई जाती है। तो ये कुछ शराबें हैं, ठीक है, शराबी शराब और कर दिया आज इसको अपन, ठीक है। तो ये कुछ वाइन्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है फर्मेंटेट किण्वित शराब बनाने के लिए। जो पियरी होती है वो पियर्स से बनाई जाती है। ऑरेंज वाइन जो होती है ऑरेंज जूस से बनाई जाती है। बेरी वाइन जो है स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी से बनाई जा रही है। नीरा जो है पाम ट्री और कोकोनट से बनाया जा रहा है। फैनी जो है केश्यू और एप्पल से बनाया जा रहा है, गोवा में काफ़ी फेमस है। और साइडर जो है कि एप्पल से बनाया जाता है। तो काफ़ी अच्छी लिस्ट है भैया, और इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कई बार आया है और कई बार रिपीट हुआ है। तो ये सारी वाइन्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लिटिल लीफ इन मैंगो एंड केश्यू इज ड्यू टू डिफिशियंसी। ये AFO 2016 का प्रश्न है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लिटिल लीफ इन मैंगो एंड केश्यू नट किसकी डिफिशियंसी से होता है भैया? तो ये हो रहा है, वेरी गुड नेहा, दैट इज जिंक, ठीक है गौतम, वेरी गुड। जिंक की डिफिशियंसी से हो रहा है, ठीक है भैया। प्रोपिंग इन बनाना, प्रोपिंग जो होता है केले में, ये क्या है भैया, कौन सी प्रोसेस है? प्रूनिंग द लीव्स, गिविंग द सपोर्ट, ग्रोविंग ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रोविंग बिगर ट्री। मतलब पत्तियों को काटना, सहारा देना, बड़े वृक्ष उगाना, या हरी खाद तैयार करना, या नन ऑफ दिस? बिल्कुल सही, क्योंकि हम इसके ऊपर कई बार चर्चा कर चुके हैं। दैट इज आंसर आएगा भैया सहारा देना। द फाइनेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ मैंडारिन, ये भी AFO 2016 का प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है कि फाइनेस्ट है और मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है किसकी भैया? मैंडारिन की। तो क्लेमेंटिनिया, इनकोर, मेडिटेरियन, मेल्टेस और सटसुमा, ये आपको यहाँ पर आंसर दिए गए। दैट इज सटसुमा। सटसुमा वेराइटी जो है सबसे महीन संतरा जो है सटसुमा है, ठीक है। चलिए, ब्लैक हार्ट एंड होलो हार्ट इन पोटेटो आकर ड्यू टू, एक्चुअल में ये ब्लैक हार्ट होगा, ठीक है, ब्लैक हार्ट हो रहा है
और होलो हार्ट हो रहा है, ये भी AFO 2016 का क्वेश्चन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है भैया? इन्वायरमेंट कंडीशन, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, रोडेंट्स आ गए, चूहे आ गए, पोषक तत्वों की कमी हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लैक हार्ट एंड होलो हार्ट, तो ब्लैक हार्ट एंड होलो हार्ट थोड़ा सोच समझ के बताना है। वीरेंद्र ई दे रहा है, भगवान सिंह सोलंकी भी ई दे रहे, संदीप कुमार पटेल भी ई दे रहे, लाभचंद भी दे रहे, थोड़ा सोच समझ के बताएंगे। देवा दिलवार साहू ए दे रहे हैं। देखो भैया, होलो स्टेम, ब्लैक हार्ट और होलो हार्ट, सॉरी स्टेम नहीं, ब्लैक हार्ट और होलो हार्ट, तो ये ब्लैक हार्ट और होलो हार्ट क्यों हो रहा है? पुअर वेंटिलेशन के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो जो होलो हार्ट होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर हम देखें केवल ब्लैक हार्ट, तो आलू में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अगर पोटैटो में ऑक्सीजन की अगर डिफिशेंसी हो जाए, तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, ज़रा कमेंट बताएं। पोटैटो के स्टोरेज के दौरान अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर पोटैटो की फील्ड में जब आप उसको स्टोर कर रहे हो, और भैया ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, ज़रा कमेंट करके बताएं। चलिए, ब्लैक हार्ट होता है तो भैया इसका आंसर आएगा इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। ये पहले को आपको देखना है, एक्चुअली होलो हार्ट जो होता है वो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन ब्लैक हार्ट को पहले प्रायोरिटी देना अपने को। तो ब्लैक हार्ट जो होता है वो स्टोरेज के दौरान डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। व्हाट शुड बी द स्पेसिंग फॉर स्टैंडर्ड वेराइटी एप्पल ट्री, एप्पल ट्री की जो जो वेराइटी है उनके लिए आपको कितना यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, सभी लोग प्रयास करेंगे इसको बताने का कि जो एप्पल की वेराइटी है उसके लिए कितना स्टैंडर्ड स्पेस हमें मेंटेन करना चाहिए। तो चार पांच ऑप्शन आपके पास है, और ये डिक्टो AFO के अभी तक के जितने भी पेपर है वो सारे पूछे हुए पेपर में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं AFO में पूछे गए प्रश्न है भैया। वेरी गुड, सबने अच्छा प्रयास किया, इसका आंसर आएगा 20 से 30 फीट, ठीक है। लेकिन मीटर में आता है तो 5 मीटर के आसपास आता है, तो 5 × 20 हो गया भैया, तो ठीक है इस तरह से। ओके, इसका आंसर डी है। विच मैंगो वेराइटी इल्ड्स ऑन एवरेज 6 टन पर हेक्टेयर एंड अबाउट 1600 प्लांट पर हेक्टेयर कैन बी एकोमोडेटेड इन 1 हेक्टेयर। ऐसी वेराइटी जो 16 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी दे रही है और जिसको प्लांटिंग करेंगे तो 1600 पौधे आपको 1 हेक्टेयर मिल जाएंगे, और स्पेसिंग ये रखेंगे तो आप कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप सभी ने इसका उत्तर कर दिया होगा, दैट इज़ आम्रपाली। इसका आंसर फिर क्या होगा भैया? आम्रपाली है। ये सारी बातें किसकी हुई? आम्रपाली की। डाइबैक इन सिट्रस क्रैकिंग ऑफ एप्पल इज ड्यू टू डिफिशेंसी। सिट्रस में डाइबैक हो गया और एप्पल में फल फट रहे हैं, तो ऐसा किसके कारण हो रहा है? सिट्रस में डाइबैक हो रहा है। अब सिट्रस में डाइबैक आप पूरी दुनिया जानती, कापर से होता है, ठीक है। तो क्रैकिंग ऑफ एप्पल भी आपको फिर किसको मानना पड़ेगा? आंसर बी को, ठीक है। ए नहीं आएगा भैया, ई कभी नहीं आएगा। सिट्रस में डाइबैक कापर से होता है, ठीक है। मेरा गलत क्यों निकला? कोई बात नहीं स्वामीनाथन जी, आ जाओ। प्रिमलानी, विक्रम और चक्रधर, ये किसकी वैरायटी है? ये तीन वैरायटी आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए भैया किसकी वैरायटी है। ये भी AFO 2016 का पेपर है, तो ये है भैया लाइम की। पपाया में तो पूसा नन्ना, पूसा डेलीशियस, पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हनीड्यू, सनराइज सिलो, ताइवान, ठीक है। संदीप कुमार पटेल जी, दोनों लैंग्वेज में रहता है, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। चलिए, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग द अनरूटेड कटिंग ऑफ ग्रेप्स डायरेक्ट इन द फील्ड? मतलब भैया, जो ग्रेप्स की शाखाएं उनको खेत में लगाने का समय क्या है? जो ग्रेप्स की ब्रांचेस है उनको खेत में लगाने का समय क्या है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए मार्च, जून, इनमें से आपको एक को बताना है कि जब ग्रेप्स की हम
ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा है, तो अक्टूबर। और जब ग्रेप समय प्रूनिंग की बात की जाए, ग्रेप समय प्रूनिंग की बात की जाए तो ये जनवरी में करते हैं, नॉर्थ इंडिया में करते हैं जनरली। कौन से इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में करते हैं जनरली। ये कार्यक्रम कब होता है, जनवरी में नॉर्थ इंडिया में प्रूनिंग का कार्यक्रम किया जाता है। चौसा, दशहरी, लंगड़ा वेराइटीज मैंगो आर अवेलेबल फ्रॉम, चौसा, दशहरी और लंगड़ा है, ये मार्केट में कब आ जाती भैया? चलो जल्दी से बताओ, बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, ये मार्केट में कब आ जाएगी? तो ये आ जाएगी भैया मई और जून में। इसका आंसर सी है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड है, कुछ ही बच्चे इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं, जैसे रोहित गुप्ता जी ने दिया, ठीक है भैया, बाकी आर एस मंडोई जी ने दिया, सचिन कुमार ने दिया, वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने दिया, ठीक है बेटा, इसका आंसर सी आएगा। मोस्ट पॉपुलर ग्रेप वेराइटी इन इंडिया, भारत में जो ग्रेप है उसकी कौन सी वेराइटी फेमस है? बेंगलोर ब्लू, आर्का, कृष्णा, थॉम्सन सीडलेस, भोकरी और गुलाबी। ये आपको बताना भैया कि बेस्ट इसमें कौन सा है जो पॉपुलर है इंडिया में, अगर आप देखो कि पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे हम पोटैटो में बात करते हैं तो मोस्ट पॉपुलर वेराइटी अप टू डेट है, वैसे ही ग्रेप्स की जो पॉपुलर वेराइटी है दैट इज थॉम्सन सीडलेस। आप सभी का सही है, वेरी गुड। चलिए, इंटरनल नेक्रोसिस मैंगो और इंटरनल कोर इन एप्पल इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, ये एफओ 2016 का पेपर है। आंतरिक क्षरण आपको बताना है आम में, और इंटरनल क्रोक इन एप्पल आपको बताना है, ठीक है भैया, प्रयास करिए, उत्तर बताइए। दैट इज बोरान, ये किसकी कमी से हो रहा है? बोरान। इसके कारण, इंटरनल नेक्रोसिस के कारण आम में इस तरह से आपको अलग ही स्पेस बने हुए दिखाई देंगे। द पंजेंसी इन अनइंजर्ड गार्लिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो अनइंजर्ड है उस गार्लिक में जो पंजेंसी, वो किसके कारण है? अनइंजर्ड बोला गया भैया, ठीक है, अनइंजर्ड गार्लिक जो है उसमें पंजेंसी किसके कारण होती है? तो एलिनेज, मिमोकार्डिसाइड, टैनिन, प्रोपाइल डाइसल्फाइड, सल्फर ऑक्सिलेट। तो इसका आंसर आएगा एलिनेज, क्योंकि जब तक हम लहसुन को कूटते पीटते नहीं है तब तक वो अनइंजर्ड है, और अनइंजर्ड है इसका मतलब वहां पर एंजाइम नहीं गया। जब ये एलिनेज है, ये इंजर्ड हो जाएगा, इसको कूट पीट करोगे तो एलिसिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? एलिसिन में। तो एलिनेज एंजाइम की तरह काम करेगा अगर उसको अपने कूट पीट दिया तो फिर बनेगा एलिसिन, ठीक है। तो एलिसिन के कारण भी पंजेंसी आएगी, लेकिन वो इंजर्ड में आएगी, पर वहां पर क्या लिखा गया? अनइंजर्ड, उसको आपने कोई छेड़ा नहीं है, होल गार्लिक है उसमें अगर पंजेंसी आ रही तो एलिनेस के कारण, और उसको छेड़ दिया तो एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। अरे किसी को छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं, तो एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे भैया, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा? एलिसिन बन जाएगा, फिर एलिसिन के कारण पंजेंसी आएगी। लेकिन यहाँ पर सल्फर अगर कंटेंट की बात करें तो आप कक्षा पहली से पढ़ते आ रहे हो डाई एलाइल डाई सल्फाइड, वो अलग चीज़ है, डी डी वाला अलग कार्यक्रम है, डाई एलाइल डाई सल्फाइड वो अलग कार्यक्रम है, डी डी वाला, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा भैया? एलिनेज होगा, अनइंजर्ड पूछा है। स्पॉन्जी टिश्यू इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ विच मैंगो कल्टीवर, स्पॉन्जी टिश्यू है ये किसकी मुख्यतः प्रॉब्लम? इसमें भी जालियां बन जाती है, अलग ही कलर का दिखाई देगा, धब्बे जैसा। तो भैया ये होगा अल्फांजो में, तोतापरी, लंगड़ा, मैडा की हम बात करें, चौसा, स्वीटेस्ट वेराइटी मैंगो की, तो इसका राइट आंसर आएगा अल्फांजो, इंटरनेशनल वेराइटी है। किंग ऑफ मैंगो भी आ जाए तो भी अल्फांजो को कंसिडर किया जाता है। ओके ध्रुव, आप सभी का सही भैया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मनी मंडोई, संदीप पटेल, डी सबका सही है, मंगल सिंह जी, ओके। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल लीफ इन मैंगो, आम में लिटिल लीफ हो जाए और सिट्रस में मोटल लीफ हो जाए। आम में भैया लिटिल लीफ हो जाए और सिट्रस में मोटल लीफ हो जाए, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको इसका ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल सावधानी से आसानी से इसको तुम बता सकते हो, बहुत आराम से बता सकते हो भैया आप इसको। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, जिंक की कमी से। मनी एलोकेटेड फॉर वन हेक्टेयर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एज पर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन प्रोग्राम, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है NHM 2005 से 7 में जो प्रारंभ हुआ था
उसके अनुसार अगर कोई 1 हेक्टेयर में हॉर्टिकल्चर क्रॉप ले रहा है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 1 लाख, 5 लाख, बताओ जल्दी से। ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया भैया। ओके साहिल, रोहित गुप्ता, इसका आंसर बताया भैया, वीरेन सिंह ठाकुर, ठीक है। लाभचंद, डी बिल्कुल गलत है, इसका आंसर आएगा ये 15 लाख पर नर्सरी, 15 लाख मिलेंगे भैया एक नर्सरी के लिए। कॉजल एजेंट ऑफ ब्लैक मिल्ड्यू इन मैंगो, अगर आम में ब्लैक मिल्ड्यू डिजीज हो रही है तो इसके लिए कौन सा कॉजल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, करिए प्रयास जल्दी से बताइए। पेनिसिलियम, बोट्राइटिस, एस्परजिलस, मेलोडिया मेंजीफेरा, कुछ नहीं ध्यान देना भैया, ये रहा उत्तर, क्योंकि क्रॉप है तो उसके स्पीसीज तो आएगी आएगी। चलिए, कॉजल एजेंट बैक्टीरियल स्पॉट इन सिट्रस, अगर बैक्टीरियल स्पॉट बन रहे सिट्रस में, कौन सी स्पॉट बन रहे भैया, बैक्टीरियल स्पॉट बन रहा है, तो जेंथोमोनास सिट्रस, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपने हजार बार 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 देखा जेंथोमोनास जेंथोमोनास, तो बस जेंथोमोनास देख लो। अब जेंथोमोनास दो जगह है पर यहाँ पर आपको क्या देखना है, सिट्री देखना है, इसलिए आंसर क्या होगा भैया, बी होगा, समझ गए। हाँ भैया सही है, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, वेल डन, सबका आंसर सही है। इकोनॉमिक लाइफ स्पान ऑफ कोकोनट ट्री, कोकोनट का एक वृक्ष कितने साल जिएगा, जैसे मैं सीप की बात करूँ क्योंकि सीप भी आपके सिलेबस में IBPS AFO में, तो सीप का होता है 7 to 9 ईयर, रोज का भी 7 to 9 ईयर के आसपास है, तो ऐसे ही लाइफ स्पान की अगर हम बात करें कोकोनट की, ये कितने साल जिएगा भैया, तो कोकोनट जिएगा पूरे 60 साल, इंसानों से ज़्यादा उम्र है इसकी, इंसानों की औसत उम्र 50 है, इसकी कितनी है 60 साल। विच वन वेराइटी ऑफ ऑनियन, इनमें से कौन सी वेराइटी है जो ऑनियन की है, पूसा किरण, एग्रीफाउंड, पूसा जल, पूसा ज्योति, नन ऑफ दिस, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, एग्रीफाउंड डार्क रेड, कई बार पूछी वेराइटी है बेटा, ठीक है। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटेटो, तो AFO 2017 का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कि जो ब्लैक हार्ट ऑफ पोटेटो है किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होगा, लैक ऑफ पुअर वेंटिलेशन। सिट्रस क्रैकिंग इज ड्यू टू, नींबू के फल क्यों फट जाएंगे भैया, ये कारण यहाँ पर इतने कारण में से आपको बता देना है कि भैया सिट्रस के फल क्यों फट गए, फल फटे क्यों फटे भैया, होठ फटे तो बोरोप्लस लगाओ, बोरीलिन लगाओ, तो यहाँ फल फट गए तो यहाँ क्या लगाओ, बोरान लगाओ, अरे कुल मिलाकर बोरान के कारण फट जाएंगे, फटने टूटने का काम सब बोरान ही करेगा भैया। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट असेसमेंट अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एडॉप्शन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर क्रॉप, लेकिन यहाँ पर किसके अंतर्गत बात हो रही है भैया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत बात हो रही है, तो कितना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा आपको 10,000 पर हेक्टेयर, ठीक है। सी इसका गलत आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काजिंग पैथोजन इन सिट्रस ग्रुप, इसमें से कौन सा ऐसा काजल ऑर्गेनिज्म है जो सिट्रस को परेशान करेगा, प्लाज्मा ओरा विटिकोला, ये तो अंगूर का हो गया, ओडियम कैरीफी, ये तो पपाया में चला गया, कोलेटोट्राइकम, ग्लेरोस्पोरडस, सर्कोस्पोरा या फाइटोप्थोरा पेरिसिटिका, ठीक है भैया, तो ऐसा कौन सा है जो परेशान करेगा नींबू को, बी परेशान करेगा, प्लाज्मा ओरा विटिकोला तो अंगूर का है बेटा, ये तो ग्लेरोस्पोरडस मैंगो में है, ठीक है, ये ओडियम पपाया में चला गया, सर्कोस्पोरा मैक्सिमम क्रॉप में होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल पैथोजन बताना है जो सिट्रस में आता है, तो वह फाइटोप्थोरा पेरासिटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काजिंग पैथोजन इन मैंगो ग्रुप, आम में कौन धूम मचाएगा, अभी मैंने बताया था, जल्दी से बताओ, अभी मैंने बताया आपको आम का, आम का बताना भैया आपको, ओडियम, प्लाज्मा हो रहा है, फाइटोप्थोरा है या कोलेटोट्राइकम है, आम का भी मैंने आपको बताया, इसका आएगा कोलेटोट्राइकम ग्लोरोस्पोरडिस, सी आएगा भैया इसका, सी है ना। चलिए, तोतापरी वेराइटी ऑफ मैंगो बिलोंग टू विच स्टेट, तोतापरी किस स्टेट के लिए बहुत फेमस है, तोतापरी जो वेराइटी है वो किस स्टेट में बहुत फेमस मानी जाती है, ठीक है बताओ जरा जल्दी से, तोतापरी वेराइटी किस राज्य की फेमस वेराइटी है, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका,
तो ये कर्नाटक की है भैया, बाकी सबका गलत है आंसर आपका, कर्नाटक की फेमस है तोतापरी। रत्ना आप जानते हो नार, नीलम, अल्फांजो के क्रास से बनी है रत्ना। रास आप जानते हो रत्ना अल्फांजो से बनी सिंधु। एनडीएम नीलम और दशरी से बनी मल्लिका। डीएनए दशरी और नीलम से बनी अम्रपालिका। तो ये क्रॉस है तो आप जान लोगे रत्ना के बारे में, जानना अपने को। नार कहाँ है भैया? नार ये रहा, नीलम और अल्फांजो, ये अपना आंसर हो गया। बाकी ये सारी लिखी भैया मैंने, फेमस भी लिख दी सारी। चलिए, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड फॉर ग्रेप्स? सबसे पहले पोटैटो के लिए बताओ, इस साल यही आएगा, बात हो गई अपनी है ना। चलो बताओ, पोटैटो के लिए पीएच अगर पूछा जाए तो याद रखना 5.5 से 7.5 होता है। अब आपसे अगर पूछा जाए ग्रेप्स के लिए, तो आपको यहाँ पर कमेंट करना भैया कि ग्रेप्स के लिए आइडियल पीएच मान कितना रखेंगे। 55-65 याद रखना मेरे बच्चों, इधर 55-75 है पोटैटो के लिए, 55-75 है पोटैटो के लिए, और अगर अंगूर के लिए पूछा जाए तो 55-65 है, 5.5 से 6.5। व्हाट इज द पीएच रिक्वायरमेंट फॉर गुआवा? अमरूद के लिए कितना है भैया? 4 से 6 तो राइस के लिए होता है, आप कक्षा पहली से पढ़ते आ रहे हो, वैसे एग्जैक्ट राइस के लिए 5.5 से 6.5 होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे गुआवा के लिए पूछा गया है तो थोड़ा सोच समझ के होशो हवास में जवाब देना है। पीएच की बात हो रही है गुआवा के लिए, अमरूद के लिए, तो अमरूद के लिए आएगा भैया आपका आंसर 6.5 से 8। अमरूद के लिए भैया 65 से 8 है। फार बनाना बताओ जल्दी से। चलिए बनाना के लिए जल्दी से बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे भैया। बनाना के लिए पीएच पूछा है, बिल्कुल सही है 65-75। इन बनाना विच न्यूट्रिएंट गिवन इन लार्ज अमाउंट थ्रू फर्टिगेशन? केले में फर्टिगेशन के द्वारा कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा दिया जाएगा बताए जरा, कोशिश करें। आंसर आएगा भैया ई, क्योंकि बनाना में पोटास की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेनियल क्रॉप? बनाना, गार्लिक, टोमेटो, कोकोनट, सुगर बीट। पेरेनियल क्रॉप को आपको पहचानना है, और ये तो बहुत आसान काम है, पहचान लोगे कौन सा इसमें पेरेनियल नेचर का होगा भैया, दैट इज नारियल। अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेशन मेथड इन ड्रॉपी या विनी, ठीक है, इनमें से ड्रॉपी या विनी टाइप का प्रोपोगेटिंग मेथड कौन सा है? थोड़ा सोच समझ के बताना है, ड्रॉपी या विनी टाइप का मतलब लहरा कर चलने वाली ऐसी विधि जिसमें लहरा कर मामला चले साथ, दैट इज सरपेंटाइन लेयरिंग। ये लहरा कर चलेगी ना, इस तरह से लहरदार होती है। व्हाट इज द प्रीमियम रेट ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? कमर्शियल जो क्रॉप है उनके लिए प्रीमियम रेट क्या रखी गई है? 2, 5, 1.5, 1.5 बताइए भैया। व्यावसायिक फसलों के लिए और उद्यानिकी फसलों के लिए रेट है 5। खरीफ के लिए कितनी है? खरीफ के लिए कितनी जल्दी से बताएं आप लोग। हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल के लिए तो मैंने बता दिया 5, लेकिन खरीफ क्रॉप के लिए अगर पूछ लिए तो, और रबी के लिए कितनी है? मंगल सिंह जी ये तो मैंने बता दिया 5, खरीफ के लिए बताओ। अगर खरीफ क्रॉप के लिए पूछे तो 2.5 है, 2 है, और रबी के लिए पूछे तो 1.5 है, याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लोएस्ट प्रोडक्शन? 2019 AFO का क्वेश्चन है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांटेशन और स्पाइसेस, इनमें से लोएस्ट प्रोडक्शन किसका होगा? सब्जियों का तो सबसे ज्यादा होता है, अगर हाईएस्ट पूछते तो अपना आंसर हो जाता भैया वेजिटेबल्स, लेकिन उसने लोएस्ट पूछा है तो आपको बताना है कि भैया लोएस्ट जो प्रोडक्शन है वो किसका होगा। तो जो लोएस्ट प्रोडक्शन होता है वो मेडिसिनल क्रॉप का होता है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जबकि सबसे ज़्यादा तो वेजिटेबल, उसके बाद फ्रूट्स, देन उसके बाद आएगा प्लांटेशन, देन स्पाइस और फिर मेडिसिनल। विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज लोएस्ट प्रोडक्टिविटी? सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है,
कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड एएफओ 2020 का लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू हलवा हलवा खा जाओ, उड़ा दो इसको, देखते उड़ाना चाहिए। बहुत सिंपल प्रश्न भैया, जूट कॉटन फ्रूट दैट इज फ्रूट, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फार फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, इस तरह के ऑप्शन देंगे घुमा फिरा के, ये भैया जूट नहीं आएगा। व्हाट इज द प्रोपोगेशन मेथड ऑफ बनाना, बनाना को किससे प्रोपोगेट करोगे, ग्राफ्टिंग बिल्कुल संभव नहीं है, बडिंग बिल्कुल संभव नहीं है, सीड इम्पॉसिबल, कटिंग दैट इज सकर्स, और कौन सा सकर्स आप सभी जानते हो, स्वार्ड सकर्स, तलवार नुमा सकर्स, कौन से सकर का प्रयोग किया जाता है, तो तलवार नुमा सकर्स का यूज किया जाता है, जिसका वेट भी आपको पता होना चाहिए 550 से 750 किलोग्राम, नहीं भैया ग्राम, इतने ग्राम का होना चाहिए, और ये स्वार्ड की तरह होता है इस तरह से, इसलिए नाम पड़ा स्वार्ड सकर्स। क्राउन क्लीनिंग रिलेटेड टू, क्राउन क्लीनिंग किससे रिलेटेड है, क्राउन मतलब शीर्ष, अब मैंगो में तो संभव नहीं है, बनाना में संभव नहीं है, कॉफी में संभव नहीं है, अब दो में से आपको बताना है, कोकोनट पाइन एप्पल, बताइए जल्दी से, क्राउन क्लीनिंग किस में करेंगे, जिसमें क्राउन आएगा शीर्ष आएगा उसको अपन क्राउन क्लीनिंग करेंगे भैया, अब बताओ, यह आएगा कोकोनट में, किस में आएगा, कोकोनट में। डिजीज ऑफ रोज ग्रेस वाइट पाउडरी पेचेस आर सीन द टेंडर लीव्स एंड फ्लावर बर्ड्स, मेच्योर ग्रीन्स गेट माल फॉर्म्ड फ्लावर बट फेल टू ओपन एंड प्लांट प्रेजेंट विल्टेड अपीयरेंस, मतलब उसके ऊपर ब्लैक भूरे काले धब्बे दिखाई देंगे, बाद में उस पर पाउडर आ जाएगा और पौधा सूखा हुआ दिखाई देगा या मुरझाया हुआ दिखाई देगा, ये किसका लक्षण है, थोड़ा सोच समझ के बताना भैया, इस तरह की समस्या किस में दिखाई देगी, पेचेस बनेंगे बाद में सूखी पत्तियों पर और मेच्योर गेट्स माल फॉर्म्ड फ्लावर बट फेलियर टू ओपन एंड प्लांट प्रेजेंट विल्टेड, सफ़ेद चूर्ण आ गया मतलब पाउडरी मिल्ड्यू, और पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए आपको केरेथान सल्फर युक्त फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, टेलकम पाउडर बन जाता है। पल्सिंग इज रिलेटेड टू, पल्सिंग एक प्रोसेस है, ये किस प्रोसेस से रिलेटेड है, दालों के स्टोरेज से, एप्पल के स्टोरेज से, प्रोसेसिंग ऑफ फ्लावर है, फ्रूट प्रोडक्शन है, सीरियल स्टोरेज है, तो प्रोसेसिंग ऑफ फ्लावर, लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए पल्सिंग किया जाता है। ट्रॉपिकल फ्रूटीज एएफओ 2020, एएफओ 2020 पियर स्ट्रॉबेरी पपाया एप्पल प्लम, ये तो भैया टेम्परेट है आप तो जानते हो, ठीक है ये टेम्परेट हो गया, ये भी टेम्परेट हो गया, ये भी टेम्परेट हो गया, अब दो में कन्फ्यूजन है स्ट्रॉबेरी और पपाया, तो राइट आंसर क्या आएगा, पपाया, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठेले वाले फ्रूट, एप्पल नहीं है बेटा, ठेला पेपर लगता जरूर लेकिन ठेले वाले फ्रूट का मतलब जो बहुत सस्ता मिले, तो आपको आम सस्ता मिलेगा, केला सस्ता मिलेगा, पपाया, चीकू, संतरा, ये सब ट्रॉपिकल में आ जाएंगे। व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा, ओकरा का जब आप आधारी बीज तैयार कर रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस रखेंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब बताओ भैया दो में से बताना है, ओकरा का आपको फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करना है तो कितना डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अगर फाउंडेशन के लिए इतना है तो फर्टिफाइड के लिए कितना हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा, इसलिए आंसर आएगा सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथियों, झंडे गाड़ दिया आज तो तुमने। गुआवा पेस्ट डिपॉजिट एग्स ऑन सॉफ्ट स्किन राइपनिंग फ्रूट ऑन हैचिंग मैगट बोरर इनटू फ्रूट एंड फीड ऑन द सॉफ्ट पल्प द इन्फेक्टेड सो डिप्रेशन विथ डार्क ग्रीन पंक्चर्स व्हेन कट ओपन्स मैगट्स आर विजिबल एंड फाइनली फ्रूट रोटेट एंड फॉल, ऐसा कौन सा कीड़ा है अमरूद का जो फल के अंदर अंडे दे देगा और जब उसको हम काट के देखेंगे तो उसमें हमें उसका जो लार्वल स्टेज से मैगट बन चुका है वो हमें दिखाई देगा, ऐसी कौन सा है, तो ऐसा धूम मचाने वाला है फ्रूट फ्लाई फल मक्खी, वाइट फ्लाई नहीं है, वाइट एफिड भी नहीं है, मिली भगत भी नहीं है, थ्रिप्स भी नहीं, मतलब मिली बग भी नहीं है क्योंकि मिली भगत तो मैंगो में चलती है, ठीक है क्लियर बात। रेगुलर बियरिंग मैंगो वैरायटी, मैंगो की एक ऐसी वैरायटी हमें बताना है, तोतापरी तो कर्नाटक में बहुत फेमस है, नीलम पेरी केसर हिमसागर, जो रेगुलर बियरिंग के लिए फेमस है, मतलब हर साल उसमें फल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आम में अल्टरनेट बियरिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके दिव्य प्रताप सिंह जी, सॉरी दिव्या है, दिव्य नहीं है, ओके तो दैट इज केसर, और केसर गुजरात की है, बहुत फेमस है गुजरात में केसर वैरायटी, तो ये भैया रेगुलर बियरिंग वैरायटी है और ये एएफओ 2020 का क्वेश्चन है, और आम में ये प्रॉब्लम है अल्टरनेट बियरिंग की, वन ईयर और ऑफ ईयर, ये कॉन्सेप्ट भी इसमें चलता है, याद रखना, ऑन ईयर और
ऑफ ईयर का जो कॉन्सेप्ट है ये चलता है मैंगो में, ऑन ईयर फ्रूटिंग होगी, ऑफ ईयर कोई फ्रूटिंग नहीं होगी। ऑन चालू हो जाता पंखा, प्रोडक्शन मिल रहा, हवा मिल रही, ऑफ पंखा बंद, हवा बंद, प्रोडक्शन बंद, इस तरह से याद रखना। एस्थेटिक एंड सेडी प्लांटेशन फॉर डेकोरेशन पर्पस, बताओ भैया, अर्बोरिकल्चर, विटीकल्चर, लैंड स्पेक हॉर्टिकल्चर, सिल्वी कल्चर, मोरी कल्चर, आपको ऐसे पौधे उगाना है जो एस्थेटिक भी हो, सौंदर्य की दृष्टि से भी हो और छाया भी दे, इनको आप क्या कहोगे भैया? तो ऐसे पौधों को उगाना आर्बोरिकल्चर कहलाएगा। विच ग्राफ्टिंग रूट स्टॉक डिब्रेक्ड 45 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल टू स्लोप कट गिवन वेज इज मेड टंग शेप सियोन इंसर्ट। तो टंग जैसा आकार कौन से मेथड में बनेगा या किस में बनाया जाएगा? टंग जैसा आकार, क्योंकि वेज ग्राफ्टिंग ही आएगा कि चीप तो बहुत चीप रहेगी, विनियर ग्राफ्टिंग अलग चीज़ है, इनसाइड इनार्चिंग ये सब मैंगो का पूरा प्रपोगेशन एक साथ दे दिया अपने, ठीक है, विनियर ग्राफ्टिंग, इनसाइड ग्राफ्टिंग ये सब मैंगो में चलता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है टंग सेप, तो वेज सेप जो होता है इस तरह का बनता है, इसी को बोलते हैं टंग, ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग, क्लियर है? तो साथियों, हम लोगों ने जैसे वादा किया था कि आपको RHEO और IBPSFO के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे, MGCI ने पूरे जी जान से मेहनत की है और वन वीक का जो हमारा कमिटमेंट था वो पूरा होता है। हमने यहाँ पर RHEO और IBPS का जो कोर्स है आपके सहयोग से सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। उन साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने IBPS का पेपर बहुत अच्छे से प्री किया है। अब रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, पर आप आगे पीछे ना देखें कितने नंबर आ रहे क्या आ रहे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर रिजल्ट सकारात्मक आया तो भी आपके काम का है, और अगर एक आध नंबर कम रहता है तो भैया आपके सामने अभी RHEO है, क्वालिटी कंट्रोलर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, तीन बहुत बड़ी एग्जामें भी है, उनको भी आपको तैयार करना है, ठीक है? तो इतने समय के लिए आप सभी साथियों ने साथ दिया, उसके लिए MGCI आपका आभारी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स लॉट, गुड नाइट।